सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली तहसील में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर आज अर्धनग्न होकर अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें नगर के पेट्रोल पंपों पर बैठकर राहगीरों से भीख मांगी एवं किया प्रदर्शन। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अंकेश हजारी ने कहा कि आज किसान की बोनी का समय चल रहा है, किसान परेशान है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, युवा बेरोजगार है और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल व डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। इसका हम सभी युवा कांग्रेस विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपए लीटर होनी चाहिए। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। आज युवा कांग्रेस रैली द्वारा निश्चित रूप से जो आज देश में पेट्रोल डीजल के दाम पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि लगातार 18 दिन पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, इसके विरोध में यही बोनी का समय है। किसान की युवा बेरोजगार है, लॉकडाउन का समय था, सबके रोजगार खत्म हो गए थे, कोरोना जैसी महामारी था और केंद्र सरकार और मोदी की सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने अधिक कर दिए। इसके विरोध में आज हम मोटरसाइकिल की ईएमआई भरने के लिए तरस रहे हैं, आज हम अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तो आज हम सभी युवाओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर भीख मांग रहे हैं कि लोग भीख दे दें, हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकें, हम कैसे इस विपरीत दौर में अपना जीवन पालन कर सकें, बाल बच्चों को पाल सकें, इसके विरोध में हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरा सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम अपने वापस लेने चाहिए, अधिक दाम कम कर देने चाहिए और 30 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिकना चाहिए।